हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और मैं आज आपको पांच ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद ही आपको पता होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे नए वीडियो को ऐसे ही देख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है पोलर बियर्स हमेशा उत्तरी ध्रुव पर ही क्यों रहते हैं? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। असल में उत्तरी ध्रुव का बेताज बादशाह पोलर बियर्स को कहा जाता है। पोलर बियर्स को जमीन पे पाए जाने वाला सबसे विशाल आकार का मांसाहारी शिकारी भी कहा जाता है, जो आर्कटिक क्षेत्र के फूड चेन के शीर्ष स्थान पर आते हैं। पॉलर बियर्स ज़्यादातर वक्त वाटर हंटिंग में बिताते हैं क्योंकि इससे उनके कड़कते ठंड में शिकार की भारी मात्रा में कमी पाई जाती है, अतः इन्हें पानी में रहने वाले वॉलरस का शिकार करना पड़ता है। और पॉलर बियर्स को ठंड से बचने के लिए इनके घने बाल के नीचे काली मोटी त्वचा पाई जाती है, जो धूप में मौजूद हल्की सी भी गर्मी को सोख लेती है, और बाहरी सफ़ेद बाल किसी इंसुलेटर का काम करती है। इसी वजह से पोलर बियर्स इतने कड़कते ठंड में भी रह सकते हैं और इसीलिए ये हमेशा उत्तरी ध्रुव पर ही पाए जाते हैं। नंबर 4, अब मैं आपको ले चलता हूँ दुनिया के सबसे बड़े एयरप्लेन्स के ग्रेवयार्ड। ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड, जो कि ऑफिशियली डेविड मोन्थन AFV के नाम से जाना जाता है। ये ना कि एयरप्लेन के ग्रेवयार्ड के रूप में जाना जाता है, बल्कि इसमें 5,000 रिटायर्ड एयरक्राफ्ट में कई फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए प्रिजर्व रखे गए हैं। यह ग्रेवयार्ड टुक्सन एरिजोना USA में लोकेटेड है और यह जगह लो ह्यूमिडिटी के कारण एयरप्लेन्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि लो ह्यूमिडिटी मेटल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। यह ग्रेवयार्ड 2600 एकर्स में फैला हुआ है। यहाँ कुछ एयरक्राफ्ट एकदम ब्रांड न्यू दिखते हैं, तो कुछ के ऊपर प्रोटेक्टिव कवर देखने को मिलेंगे जो उन्हीं रेत और धूल से बचते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत से कम जेट्स होते हैं जो कि वन पीस में सरवाइव करके रिटायर्ड होते हैं, तो ऐसी सभी रिटायर्ड जेट्स जिन्हें स्पेयर पार्ट की ज़रूरत होती है, वह या ग्रेवयार्ड अराउंड द ब्लॉक किसी भी लोकेशन पर पार्ट्स भेजने के लिए रेडी रहते हैं। इसलिए इस जगह को वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरप्लेन ग्रेवयार्ड के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया के सबसे खतरनाक सांप के बारे में, जो डायनासोर के काल में पाए जाने वाले सांप थे, टाइटनोबोआ। सबसे खतरनाक सांप थे जो एनाकोंडा से भी कई गुना ज़्यादा विशाल होते थे। माना जाता है कि डायनासोर के काल में ये सभी जीव 6.6 करोड़ साल पहले उल्का पिंड के वर्षा के कारण मारे गए थे, लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया था कि टाइटनोबोआ का आज भी जिंदा है। यह इतना बड़ा सांप जो किसी बड़े मगरमच्छ को भी बड़े आसानी से निगल रखने की क्षमता रखता है। दरअसल टाइटनोबोआ को भी डायनासोर के साथ विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े अमेजन जंगल के नदी में ये मॉन्स्टर स्नेक आज भी मौजूद हो सकता है। अब आपके मन में ये सवाल गूंज रहा होगा कि क्या यह सांप जीवित है या फिर पर इस सांप का अभी तक कोई जीवित प्रमाण नहीं मिला है, तो अभी यह कहना बेवकूफ़ी होगी कि यह टाइटनोबोआ सांप अभी जीवित हो सकता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक की ओर। नंबर 2, दोस्तों हमारा ब्रह्मांड बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है, उन्हीं में से सबसे बड़ा रहस्य है एलियंस लाइफ। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि हमारे यूनिवर्स में जीवन की संभावना उतनी ही है जितनी कि पृथ्वी पर है, और पृथ्वी पर आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी UFO देखने तक की बात की है।
वैसे दोस्तों यूएफओ से जुड़े हुए बात तो हमें दुनिया भर के कई अलग अलग कोनों से सुनने को मिलते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चे में जो रहती है वो है एरिया 51। दरअसल एरिया 51 सालों से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस जगह पर एलियन लाइन की मौजूदगी छिपाने के लिए इस जगह को बनाया गया है। और दोस्तों एरिया 51 के अंदर 2014 में जब अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुशमन गए थे, तब उन्होंने जो देखा था वो हैरान कर देने वाला था और उनके बयान ने दुनिया में तहलका मचा दिया था। दरअसल उन्होंने एरिया 51 में कैद हुए कई सारे एलियंस के बारे में बताया था, जिन्हें कि काफ़ी सीक्रेट तरीके से रखा गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि एलियन की हाइट 5 फीट होने के अलावा वो 200 साल तक जीवित रह सकते थे। अब ये बात कितना सच है और कितना झूठ ये तो हम नहीं जानते, पर एरिया 51 दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है। अब चलते हैं हम अपने आखिरी टॉपिक की ओर, नंबर 1 की ओर। साल 1918 में स्पेनिश फ्लाई के वजह से 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। 1941 से लेकर 1945 तक नाजियों से 60 लाख लोगों की हत्या हो गई थी। और 1347 में आई ब्लैक डेथ महामारी ने यूरोप के आधी आबादी को ही ख़त्म कर दिया था। लेकिन इन सब घटनाओं के बावजूद इतिहास में एक ऐसा साल भी दर्ज है जो इनसे भी भयानक था। माइकल मैककॉर्मिक, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री को प्रोफेसर रह चुके, उन्होंने बताया कि ईयर 536 एडी यही वो साल था जिसे आप बिल्कुल भी जीना नहीं चाहोगे। असल में उस समय हुआ था कि आसमान में कुछ अजीब घट रहा था। अचानक आई एक रहस्यमय डस्टी फॉग ने पूरे यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया के कुछ हिस्सों को पूरी तरह से ढक लिया। दिन हो या रात, 18 महीने के लिए आधी से ज़्यादा दुनिया अंधेरे में डूब गई, क्योंकि फॉग ने सूर्य को ढक लिया था। सनलाइट के बिना टेम्परेचर गर्मियों में भी 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और असंख्य लोग भुखमरी से मरने लगे। कहा जाता है कि सन 536 में दुनिया ने सबसे भयानक भुखमरी देखी थी। और जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, आने वाले साल भी कुछ अच्छे नहीं थे। साल 536 में आया डिकेट पूरे 2300 साल में सबसे ज़्यादा ठंडा डिकेट रिकॉर्ड किया गया था। चाइना में तो गर्मियों में स्नोफॉल होने लगे थे। इरिस कोकनिकल से यह पता चलता है कि आयरलैंड में सन 536 से लेकर 539 तक रोटी का भयंकर अकाल पड़ा था, और इतना कुछ काफ़ी नहीं था कि सन 1939 में ईस्टर रोमन एम्पायर में जस्टियानिक फ्लैग नाम के महामारी फैल गए, जिसने 25 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की जान ले ली। बाद में उस समय के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि एक बड़े वॉल्केनिक इरप्शन के कारण मिस्टीरियस डस्टी स्मोक फैली थी, और इसी कारण यह समय इतिहास के सबसे दर्दनाक समय के रूप में बन गया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।